फाइनली बहुत दिनों के बाद आज मुझे मेरा गांव घूमने का मौका मिल गया। तो हमने कहा चलो आज घूम ही आते हैं। तो मैं निकल गया गाड़ी लेके। रास्ते में चलते हुए जो है मुझे जो है बहुत सारे चीज़ें दिखी। जैसे देख रहे हो बच्चे और ये रोड, पहले ये रोड कच्ची हुआ करती थी, अब जो है काफ़ी सही बन गई है, पक्की बन गई है। तो रोड लोगों को आने जाने में कोई तकलीफ नहीं होती, वो आसानी से आ जा सकते हैं। और फिर मैं अपने गांव आ गया। यहाँ देख रहे हैं आप खेत साइड में जो ये ईट भट्ठे, वो खंभे बड़े वाले, उसमें हाई वोल्टेज लाइट जाती है, वो कारखानों में किसी उसमें जाती है, बड़े बड़े कारखानों में मान लीजिए। बाकी धान लगे हुए हैं, कुछ खेत खाली हैं, धान कुछ पक्के हैं कुछ कच्चे हैं। तो भी जो पक्के हैं उनको जो है कटाई के लिए लेबर को लगा दिया गया है। बाकी जो खेत खाली है उसमें सरसों या फिर कुछ और चीज़ बोने के लिए उसको छोड़ दिया गया है, क्योंकि धान तो भी मान लीजिए दिवाली तक कट जाएगा। बाकी अब साइड देख लो ये नहर है, नहर से लोग जो अपने खेतों से सिंचाई करते हैं। जरूरत नहीं हर घर में बेल या समर हो जैसे लोग सिंचाई कर रहे हैं, लोग नहर से पानी लाते हैं। वहाँ पानी आता है, बस नहर थोड़ा सा तो मशीन या जो भी वगैरह लगाते हैं उससे पानी सप्लाई करा लेते हैं। तो उससे जब सिंचाई हो जाती है तो धान वगैरह या गेहूँ वगैरह अच्छे से हो जाता है। बाकी इसमें नहर कितनी जो है देखिए साइड में इतने छोटे छोटे बड़े बड़े पौधे जम गए हैं कि वो दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि आपको दिखेगा पानी, क्योंकि अभी सूखी तो नहीं है, पानी समय आ जाता है, ठंडी में काफ़ी अच्छा पानी जाता है। ये देखा पानी दे रहे बहुत सारे, अभी साफ़ सफाई होगी जैसे नहर सूख जाएगी तो साफ़ सफाई करा देंगे, तो फिर ये अच्छी लगती है। मतलब घड़ा भी धुल सकते हो, नहा भी सकते हो, मतलब ना गंदा तो नहीं होता पर काम चलाओ होता है, आप नहा सकते हो। तो आज हमने जो है अच्छे से घूमा, बाकी धान देख रहे हैं कुछ बालियाँ पक गई हैं, कुछ कच्ची रह गई हैं, पक जाएंगे तो एक अच्छा कारण होगा।